नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट कब आएंगे, उसकी क्या तारीखें होंगी और उन तारीखों में रिजल्ट आने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ जो क्लास 10th और क्लास 12th के जो एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनकी कापी भी अभी तक चेक नहीं हुई है। क्लास 10th के तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन उनकी भी ओनली 3 सब्जेक्ट की कापी चेक हुई है, बाकी 3 सब्जेक्ट की कापी चेक नहीं हुई है। उसी टाइप से अगर क्लास 12th की बात करें तो उनके तो अभी 2 पेपर बचे हुए हैं। तो इसी बीच CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर सारे एग्ज़ाम अप्रैल माह तक समाप्त हो जाते हैं तो वो मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे सकते हैं। उनके सारे पेपर अप्रैल मंथ में समाप्त हो जाते हैं तो ही वो मई के आखिरी वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे पाएंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट में देरी भी हो सकती है। तो ये थी CBSE से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट जब भी आएगा अच्छा ही आएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।